दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टीटीआई एक्सप्रेस। चैनल में आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने मदरबोर्ड हार्ड डिस्क रैम एसएमपीएस वीडियो रोम ड्राइव। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पिछली वीडियो में हम लोग क्या क्या बनाए थे। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे जीएसटी कैसे लगती है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी और थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या मदरबोर्ड हार्ड डिस्क रैम SMPS और DDRAM ड्राइव। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक कौन सा उठाते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड। तो दोस्तों पहले इन सबको बताने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि इसका जो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है पेपर में एक क्वेश्चन आनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी देखते हैं। तो पहला हम लोग का है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मेन बोर्ड या इसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इससे ही हमारे जो सारे पार्ट्स हैं इसी के अंदर जुड़े होते हैं। जैसे में हमारा यहाँ पे लगता है रैम, यहाँ पे लगता है हमारा कार्ड होता है वीजीए कार्ड, तो यहाँ पे हमारा लगता है माइक्रो प्रोसेसर जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो मदरबोर्ड ही हमारा। इसकी सप्लाई जो मिलती है दोस्तों हमारी वह SMPS से मिलती है। तो मदरबोर्ड ही हम मदरबोर्ड किस नाम से जाते हैं? मेन बोर्ड के नाम से। दूसरा हम लोग का टॉपिक है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क में हम लोग का हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है, टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है, पहली हार्ड डिस्क साटा हार्ड डिस्क, दूसरा है पाटा हार्ड डिस्क। तो पहले हम लोग साटा को समझेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। दो प्रकार की होती है, दोनों समान होती है, दोनों सेम सेम देखने में लगती है, लेकिन इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? इसके कनेक्टर से। देखिए इसका कनेक्टर जो होता है, ये जो होता है इसका लगा प्लग की तरह कार्य करता है, प्लग की तरह इसका कनेक्शन होता है और एड किए जाते हैं। और ये जो होता है पाटा हमारी जो हार्ड डिस्क है, ये देखिए पाटा की तरह, जिस तरह हम लोग पाटा जिसको क्या कहते हैं, पाटा किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को ड्रैग करना, पाटा वैसे क्या होता है इसी आकार का ये होता है। इसी से इन दोनों की डिफरेंट पहचान होती है कि हार्ड डिस्क कितनी प्रकार की होती है। तो सबको पता होना चाहिए हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है और इनकी पहचान क्या है। ये इनकी पहचान, इनके जो कनेक्टर होते हैं, इनके जैक जो होते हैं, जैक से इनकी पहचान होती है। हार्ड डिस्क कितने प्रकार की? दो प्रकार की हो गई। आपका अगला टॉपिक है रैम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रैम कितने प्रकार का होता है? तो रैम हमारा जो होता है मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के प्रकार हम बता देते हैं आप लोगों को। रैम के प्रकार जो है निम्न है। नंबर वन है SDR रैम, DDR, दूसरा हो गया, नंबर तीन हो जाएगा DDR2, नंबर तीन हो जाएगा आपका DDR3। तो कितने प्रकार के हम लोग की रैम हो जा रही है दोस्तों? SDR नंबर वन, DDR नंबर टू, DDR2, थ्री हो गई DDR3, फोर हो गई, एक और हम लोग आती है जो है DDR4, ये लास्ट है DDR4। यह जो रैम होती है इसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे इनका वो होता गया ऐसे ऐसे इनकी स्पीड है। जैसे देखिए इसकी स्पीड इससे कम है और इसकी स्पीड इससे कम है, इसकी स्पीड इससे कम है। तो इस समय जो चल रहा है जनरेशन 4G का चल रहा है, तो 4 DDR4 हमारा इसका ट्रिक है कि कौशल अगर मुझे इसमें सबसे ज़्यादा रैम तेज कौन सी चलती है, तो DDR4 4G से इसको याद रखेंगे। अगला हम लोगों का टॉपिक जो है उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई दो प्रकार, साटा पाटा, रैम हो गया, रैम में इतना आपका हो गया, चार प्रकार का रैम होता है। और अगला हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों वो है SMPS। तो यार हम लोग देख लेते हैं SMPS क्या होता है। मुझे लग रहा होगा आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक एक पार्ट को, तो इसको लेकर चलते हैं SMPS। इसका फुल फॉर्म SMPS, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछते हैं, तो कहीं कोई नोट कर लीजिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है इसका पहले हम लोग कार्य देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा जो इसका कनेक्शन जो होता है बोर्ड से, हम लोग जो अपना देते हैं या तो स्टेबलाइजर से जो भी देते हैं इसका, समझ लीजिए यह 240 वोल्ट पे इन होती है। और यह यहाँ के जो तार के जो गुच्छे निकले होते हैं ये हमारे मदरबोर्ड में सारी सप्लाई को इन करते हैं। जैसे जैसे जिसको सप्लाई चाहिए मदरबोर्ड यहाँ से प्रोवाइड होती है, जितना है मदरबोर्ड की आवश्यकता होती है यहाँ से हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं। वायर के वायर कोड होता है इसमें इन किया जाता है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से। तो इसके लिए भी देख लीजिए, तो किसी किसी को चाहिए 12 वोल्ट, जैसे भी हम लोगों का जो
मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर फैन लगा होता है, प्रोसेसर ऊपर फैन वो कितने वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट पे चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि माइक्रो प्रोसेसर का फैन जो है कितने वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट पे। जैसे और भी -5 वोल्ट +5 वोल्ट सब सप्लाई सी जो होता है एसएमपीएस, जिससे हमको इसी से हमारी सप्लाई आगे तक जाती है और कार्य करता है इसे, और हमारी दीवारें जो है सुरक्षित रहती है। समझ लीजिए सप्लाई का कार्य करता है पावर में। अगला हमारा टॉपिक है डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव इसमें क्या होता है, हम लोग अपने सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फ्लो होता है सीडी का फ्लो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को लगा करके किसी प्रोग्राम या फाइल को कॉपी या पेस्ट कॉपी करके दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे में पेन ड्राइव में ले लेते हैं अपने सिस्टम, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डीवीडी रोम ड्राइव इसमें सीडी लगाने के लिए और कॉपी पेस्ट करने के फाइल को बैकअप लेने के लिए चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही। तो इसमें जो भी आप लोगों को समझ में अच्छे ढंग से नहीं आया होगा उसको बताइएगा, हम अगली वीडियो में उसको थोड़ा सा उठा के उसमें कोई भी वीडियो दूसरी रहेगी उसमें हम उसमें चर्चा कर देंगे। दोस्तों तो मेरे चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम टीटीआई एक्सप्रेस, इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में हम लोग लेके आएंगे जीएसटी कैसे फिट के होती है दोस्तों, पर इसके तीसरे वाली वीडियो में हम लोग देखे थे कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है, जीएसटी है क्या, कब कहाँ पे जीएसटी लगती है। अगली वाली इसके वीडियो में हम लोग दोस्तों लेकर आएंगे कि जीएसटी का जो व्हील होती है कैसे बनती है और जब किसी एक राज्य से खरीदा जाता है, स्टेट से खरीदा जाता है तो कैसे फिट होती है, अगली दोस्तों हम वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।